मेहता का उल्टा चश्मा। और तूने ये आंवले का जूस मंगा के बहुत अच्छा किया कोकन बेटा। अभी क्या ठंड चल रही है ना, तो ठंड में आंवले का जूस पीना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा होता है। एक काम कर, एक गिलास ले, मुझे भी थोड़ा चखा। नहीं, चाचा जी, मैं अभी नहीं चखा सकता। वो जिसने ये भेजा है ना, उसने बोला है कि इसे सुबह सुबह खाली पेट चखना चाहिए, मतलब पीना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आप कल सुबह खाली पेट आइएगा, फिर हम लोग यहाँ आराम से बैठ के पीते हैं। इतना क्या कंजूस बन रहा है, अरे इतना तो चखना है, अभी चखा देना भाई। नहीं, कंजूस ही नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप इसे अपने साथ ले जाइए। ओए, लगता है पुपको बिना पिए चढ़ गई है। देखो ना क्या कर रहा है, बोतल दे रहा है। लगता है पुपटल मौखला गया है। आप सुबह चक के मुझे दे दीजिएगा। ये पुपटल हम सबको मरवाएगा। ठीक है, ला। एक काम कर, तू ही रख, मैं बाद में कभी चख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चल चलता हूँ। हाँ, ओके 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 चाचा जी, थैंक यू। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे बागा बापू जी, मेरे पीछे पीछे पोपटलाल की विंग तक कैसे आ गए? बापू जी घर में नहीं है। तू कहाँ, तू घर में नहीं है? हूँ ना। अरे अरे हूँ ना तो तेरे रहते बापू जी घर से बाहर निकले कैसे? सेठ जी, मैं अभी बाथरूम से बाहर निकला हूँ। मुझे लगता है मैं बाथरूम में गया तभी बापू जी घर के बाहर निकले होंगे। अरे बागा, तू बाथरूम में गया ही क्यों? बताता हूँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ पैर और मुंह अच्छे से धो लेने चाहिए। अरे बागा, तेरे हाथ मुंह धोने के चक्कर में हमें पार्टी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। बापू जी अभी घर पे आ रहे, तो ध्यान रखना अभी बापू जी घर से बाहर निकलने ना पाए। अरे लेकिन सेठ जी, अगर बापूजी घर के बाहर निकलना चाहें तो मैं उन्हें कैसे अटका सकता हूँ? अरे अटका नहीं सकता, लेकिन मुझे बता तो सकता है ना। तो अगर बापूजी दोबारा घर से बाहर निकले तो मुझे तुरंत फोन करना। हाँ, ये कर सकता हूँ, ये करूँगा। बोलिए और कुछ? और कुछ नहीं, जल्दी फोन रख, बापूजी अभी घर में दाखिल हो ही रहे होंगे। ठीक है ठीक है सेठ जी, ओके। अरे जैसल कहाँ हो? मैं यहाँ नीचे छुपा हुआ हूँ। अरे चाचा जी निकल गए बोतल देके, तुम आ जाओ जल्दी। हाँ मैंने देखा है, बस आ ही रहा हूँ। आ रहो। अरे 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 तो चलो तैयारी कर लेते हैं। चलो 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 चलो। अरे आ गया, देखो 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 पहले। हाँ वही है वही। अरे वाह, आ गया। अरे आ गया, क्या बाल बाल बच गए यार। अरे सच में भाई सच में। लेकिन पोपटलाल बापूजी से बचे कैसे हो तो बताओ। बचा लिया जेठालाल, मैंने सबको बचा लिया। ओए पप्पू, ओ तू तो रहन दे, ओ डर के मारे तेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई सी। हाँ मैं तो गए जब पहले डर नहीं लगा था, चाचा जी के हाथ में बोतल देख के फिर डर लगा। मुझे थोड़ी पता था कि चाचा जी बोतल लेके आ रहे हैं। जेठालाल ने फोन किया तो हमें बताना चाहिए था कि चाचा जी आ रहे हैं बोतल के साथ। अरे भाई बापूजी अचानक सीढ़ियों पे प्रकट हुए। प्रकट? बाद में बताते हैं। अय्यर फिर क्या हुआ? हाँ एक मिनट अय्यर भाई,
तो मैं शिव इन से बाहर आता और आप सबको फोन करता, उतने में तो बापूजी तुम्हारे घर पे पहुंच जाते। इसलिए फटाफट फोन पे जितना कह सका उतना मैंने कहा। नहीं अच्छा हुआ तुमने फोन किया जेठालाल। हाँ भाई सही बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, सिर्फ हम लोग छुप सके, वरना जैसे ही बेल बजती हमको लगता कि तुम ही आए हो। सही बात है। नहीं जेठालाल ने फोन किया है तो अच्छा ही किया और हमें बताया कि भाई चाचा जी आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर वो तीन शब्द और जोड़ देता ना कि चाचा जी आ रहे हैं बोतल के साथ, तो और मजा आ जाता। अरे भाई वो तीन शब्द अगर मैं जोड़ता ना तो तुम्हारे 30 शब्द मुझे सुनने पड़ते। अरे भाई चाचा जी के पास बोतल कहाँ से आई, बोतल तो तुम्हारे पास थी वगैरह वगैरह। पर वो सब मैं तुम्हें समझाने बैठता इतनी देर में तो बापूजी घंटी बजा देते। चलो अभी छोड़ो भाई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने सब संभाल लिया ना। तुमने संभाल लिया पोपटलाल? तुम ही चाचा जी को बोल रहे थे आपको चाहिए तो बोतल घर पे लेके जाओ और घर पे जाके चखो। ऐसा बोला? ओए पप्पू, अगर चाचा जी बोतल ले जाते तो हम पार्टी में क्या पीते? सॉरी हद करते हो भाई तुम, तुम्हें अभी भी पीने की पड़ी हुई है। ये सोचो कि अगर चाचा जी बोतल घर ले जाते ना तो सुबह हम सबको जूते पड़ते। तो सही बात है। ओ हाँ मेहता साहब, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। अरे वो मैंने जानबूझ के बोला भाई। क्या है ना, अगर मैं चाचा जी को मना करता ना तो वो जिद पे अड़ जाते कि मुझे चखना ही है, इसलिए मैंने उल्टा बोला। इसे रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। ए पप्पू ये तो की बोल रहे हैं? मैं समझाता हूँ, थोड़ी पोपटलाल बात कर रहा है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी में आदमी को जो कहा जाए वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करने को कहा जाए वो जरूर करता है। सहज मनोविज्ञान है व्यक्ति का। हाँ जैसे पोपटलाल को कितनी बार मैं बोलता हूँ कि झगड़ा मत करो, लेकिन वो करता ही है ना। ये भिड़े उदाहरण उदाहरण। ओ बाकी सब गल्ला छड़ो यारो। ओए मुद्दे की बात तो ये है कि हमारी पार्टी शार्टी ऑन है। तो चलो यार जल्दी से पार्टी शुरू करते हैं। एक मिनट मैं जरा बबीता जी को फोन कर लूं। क्यों बबीता को फोन क्यों करना है? यार भाई जब भी बापू जी सीढ़ियों पे मुझे मिले ना तभी मैं बबीता जी के साथ ही सीढ़ियों पे बात कर रहा था। वो महिला मंडल की पार्टी में जाने के लिए निकल रहे थे। ठीक है वो चिंता कर रहे होंगे ना कि मेरा मतलब है हमारा अभी क्या हुआ होगा। नहीं नहीं सही बात है जेठाल, सिर्फ बबीता जी को ही नहीं पूरे महिला मंडल को टेंशन होगा, तो बात कर लो एक बार बता दो। मुझे लगता है वहां पे कोई टेंशन हुई होगी, चाचा जी पहुंच गए थे वहां पे। अभी पक्का इन लोगों की पार्टी कैंसिल हो जाएगी। हाँ तो सारू छे ना होने तो कैंसिल। रोशन भाभी अगर वो पकड़े गए ना तो चाचा जी हमें भी तो डांटेंगे। हाँ चाचा जी हमें पूछेंगे कि हमने परमिशन क्यों दी। जेठा जी का फोन स्पीकर पर करो। हाँ जेठा भाई बोलिए क्या हुआ। कोमल भाभी बबीता जी का फोन आपके पास है? नहीं नहीं जेठा जी वो फोन स्पीकर पे है। बोलिए बोलिए कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं बस यही बताने के लिए फोन किया बबीता जी कि कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बापूजी बिना हंगामा किए सुखरूप शांति से घर पहुंच गए। फिर मेरी बागा के साथ भी बात हो गई है कि अभी दोबारा बापूजी घर से बाहर ना निकले उसका वो खास ध्यान रखेगा। ओके ग्रेट ग्रेट हाँ। और बबीता जी पार्टी की सब व्यवस्था बराबर है ना? Absolutely fine, बहुत अच्छा है। बस बस तो आप लोग वहाँ एंजॉय कीजिए, हम लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। ठीक है you take care of yourself, bye. Okay. Ladies, हम हमारी पार्टी शुरू करें। ओ यारो आज एक चीज तो बढ़िया हो गई। हम जब चाहे तब पार्टी शादी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी तरकीब है? वो हाथी पर तुझे समझे नहीं? ओ यारो हमारी बीवियां बड़ी पोली है,
कोई ऐसे ही बारी बारी सिर हम पार्टी शार्टी के लिए परमिशन ले लिया करेंगे। सही बात है। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़िए, अब ये तो कमाल हो गया है। अलग अलग पार्टी करने के बहाने मिल सकते हैं, हम जा सकते हैं कि भाई आज भिड़े को अचार पापड़ का बढ़िया ऑर्डर मिला उसके नाम पे, अय्यर का प्रमोशन हुआ उसके नाम पे, मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिला उसके नाम पे, किसी भी नाम पे मांग सकते पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पार्टी पे पार्टी होगी। बबीता जी तो मुझे पहले ही बता चुके हैं ये वन टाइम परमिशन है, अभी इनको बताऊंगा तो सबका मूड खराब हो जाएगा। हमको पार्टी करने का मस्त आइडिया मिल गया। वो तो चलो यारो, देर किस बात की, वो बोतल खोल के पार्टी चार्टी करते हैं। हाँ इनका ये हमेशा का नहीं होना चाहिए। नहीं कहा बबीता जी, आप फोन लगाइए। अरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, अभी सारे खतरे टल चुके हैं तभी पार्टी शुरू करते हैं ना। अरे यार भाई अभी किसका फोन है? बबीता का फोन। बात करो। हाँ बबीता बोल। अय्यर फोन स्पीकर पे करो ना प्लीज। ओके ओके, तो बबीता को कुछ कहना है। बबीता को सबसे कुछ कहना है। बोलिए बोलिए बबीता जी, हम सब सुन रहे हैं आतुरता से। जेठा जी, हम पूरे महिला मंडल की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है। अय्यर तुम्हारे फोन पे थोड़ी देर बाद मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, तुम सब लोग मिलके देख लेना। ओके 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 बाय। अरे देवा, ये महिला मंडल क्या संदेश भेजने वाली होगी? ओ यारो, वो हम सबको पार्टी शार्टी के लिए ऑल द बेस्ट करने के लिए वीडियो भेज रही होगी। आ गया आ गया, वीडियो आ गया, आ जाओ सब लोग आ जाओ। एक मिनट यार भाई। हाँ आप सबको। हाँ हाँ देखिए, आज हमने जेठा जी की बात का मान रख लिया है और आपको पार्टी की परमिशन दे दी। लेकिन का मतलब ये नहीं है कल उठकर अय्यर भाई का प्रमोशन हो और वो हमसे पार्टी की परमिशन मांगे। मैं तो सबका इंक्रीमेंट हो और वो हमसे पार्टी की परमिशन मांगे। या फिर भिड़े भाई को अचार पापड़ का बड़ा ऑर्डर मिले और फिर वो हमसे पार्टी की परमिशन मांगे। और आगे जाकर पोपट भौजी को अवार्ड मिले तो हो सकता है वो पार्टी की परमिशन मांगे। कल को हाथी भाई ने नया क्लिनिक खोल दिया और वो हमसे पार्टी की परमिशन मांगे। या सोड़ी भाई कार का शोरूम खोले और वो हमसे पार्टी की परमिशन मांगे। आज की परमिशन हमारे तरफ से पहली और आखिरी परमिशन है, ऐसे दोबारा नहीं हो सकता है, ये फुल एंड फाइनल है। गेम ओवर। यस एग्जैक्टली। और देखिए पार्टी का मजा ना हमेशा साथ में होता है, ये जेंट्स अलग लेडीज अलग इसमें कोई मजा नहीं है। जेठा जी आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जेठा आशा है तुम समझ गए होंगे। हाँ समझ गया मैं, वो वीडियो है ना, वो तो नहीं है ना, वो क्या वीडियो कॉल नहीं है ना, इसलिए जवाब थोड़ी देना है। समझ गया। अंश तारक आओ, लक्ष्य कुटे इकड़े इकड़े आए तुझाकडेच आहे। अरे वीडियो की वीडियो कॉल, सॉरी 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 मैं भूल गया, वीडियो कॉल नहीं है, मैं भूल गया सॉरी। रोशन अय्यर ये ले जाए यार, माधवी का फोन। हाँ बोलो माधवी। हाँ जरा स्पीकरला टाका फोन। रखता हूँ। जो स्पीकर पे। हाँ बोलो माधवी, फोन स्पीकर पे। आप सबने वीडियो देखा? हाँ देखा। तो अभी आप सब लोग ये प्रॉमिस करो कि आगे जाके कभी भी आप लोग ऐसे अलग अलग पार्टी बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, मिलके पार्टी शादी करेंगे। हाँ रोशन तो टटन घेलो चे घेलो, बबीता पार्टी शादी की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ पार्टी की बात कर रही है। और अगली बार से हम सब साथ में पार्टी करेंगे। अरे सिर्फ ऐसे ही हाँ बोलने से नहीं चलेगा, आप सबको प्रॉमिस करना होगा। हाँ प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सब लोगों को एक साथ बोलना पड़ेगा
कि असली मजा सबके साथ आता है। अरे बोलिए बोलिए क्या सोच रहे हैं? असली मजा सबके साथ आता है। ओके बाय, पार्टी एंजॉय कीजिए। पूरा मूड खराब कर दिया और अब बोल रहे पार्टी एंजॉय कीजिए। हमें तो लगा था कि हमारी बीवियां हैं बोली, पर ये तो निकली बंदूक की गोली। अरे बंदूक की गोली क्या, तोप का गोला भाई। हमसे पहले ही प्रॉमिस ले लिया एडवांस में। लगता है ये महिला मंडल ने हमें दिल से परमिशन नहीं दी है। आतिफ भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दिल से दी हो या ना दी हो, परमिशन हमें मिल गई है ना, तो अभी पार्टी शुरू करते है ना। हाँ हाँ, नहीं ये बात तो बराबर है जेठा। आधा ग्लास भरा हुआ है वो देखते है ना, आधा ग्लास खाली वो क्यों देखना है। ये भी ठीक है। तो ग्लास ही नहीं है, और पहले ग्लास लाओ, उसे पूरा भरेंगे और फिर आधा खाली करेंगे और फिर उसे देखेंगे। You know what? हमारे उस वीडियो से ना उनका पार्टी शार्टी का भूत उतर गया होगा। Yes. आज पहले ही पार्टी शार्टी कर ले, पर दोबारा ये नहीं होगा। माधवी भाभी का आइडिया बहुत सुलझा था ना। Thank you. ये लोग अब हमसे कभी भी पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं मांगेंगे। बिल्कुल। देखो दोस्तों इसका पैकिंग देखो, खाली है पैकिंग देखो, इसका पैकिंग देखो, लकड़ा का है इसका पैकिंग। और इधर देखो, ये इधर ये भी है लॉक, ऐसे खोलने का, ये ऐसे, ये देखो। वही यारो, अगर बोतल इतनी बढ़िया है तो सोचो अंदर की चीज कितनी बढ़िया होगी। सही बात है। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इसको ऐसे निकालने का, और ये देखो बोतल। मुलायजा होशियार, खबरदार, हमारी पार्टी शार्टी की बोतल अब पार्टी शार्टी के लिए तैयार है। हम लोग भी तैयार है भाई, पार्टी शार्टी की राह में आने वाली जितनी बाधाएं थी दूर हो गई, जितना चक्रव्यूह हमने तोड़ दिया, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। अरे मैदान बिल्कुल साफ है भाई, चाचा जी बाघा की निगरानी में, टप्पू सेना भी आनी है, महिला मंडल की परमिशन हमें मिल चुकी है, वो भी अपनी पार्टी कर रहे हैं। तो अब यानी कुल मिला के बस वक्त आ गया है, घड़ी आ गई है, बस चीयर्स करने की देर है, आज तो पार्टी हो करेगी। लेकिन 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 आप तो जानते हैं कि पार्टी शार्टी न होने में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एंड मोमेंट पे अंत समय में एकदम चाचा जी आ जाएंगे और कोई रेट डालेंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप। अब तो यहाँ चीयर्स होगा, अब क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आप चीयरफुल रहेंगे। चीयरफुल रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।